बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो डाटा एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट की है, डाटा एनालिसिस इन 10 स्टेप्स, उसमें आज हम स्टडी करेंगे स्टेप 5, हाउ टू रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज इन SPSS। डाटा क्लीनिंग के जो प्रोसेस है उसमें हम देखने लगे हैं कि मिसिंग वैल्यूज को किस तरह से रिप्लेस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। जो हमने डाटा एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट की है उसमें जो 10 स्टेप्स हैं, उसमें स्टेप 1 है प्रिपरेशन ऑफ स्केल्स, डाटा कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ डाटा फाइल, देन डाटा एंट्री, डाटा क्लीनिंग, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, कंप्यूट वेरिएबल्स, एनालिसिस प्लानिंग एंड डाटा एनालिसिस। जिन लोगों ने आज हम डाटा क्लीनिंग स्टडी करने लगे हैं, जिन्होंने इससे पहले व्यूअर्स अगर नहीं देखी जो फर्स्ट फोर स्टेप्स हैं तो वो फर्स्ट फोर स्टेप्स देख लें, एटलीस्ट डाटा एंट्री का स्टेप जरूर देख लें ताकि उन्हें पता चले कि डाटा एंट्री के बाद डाटा क्लीनिंग क्यों करते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। मिसिंग वैल्यूज का कॉन्सेप्ट ये है कि आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक क्वेश्चनेयर फिल किया गया है जिसपे पार्टिसिपेंट ने फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर किया, ये आप देख सकते हैं 4, सेकंड को आंसर किया, थर्ड को किया, फोर्थ क्वेश्चन को आप देख लें, इसके तमाम ऑप्शंस एम्प्टी हैं, किसी भी ऑप्शन पे सर्कल नहीं किया गया। और ये देखें फिफ्थ में फिर उसने अग्री किया। ये आइटम जो है अगर इस तरह की कंडीशंस हों तो उसको कहते हैं मिसिंग वैल्यू, क्योंकि हम इसमें अपनी तरफ से कोई फेक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। जो हमारे पार्टिसिपेंट ने नहीं असाइन की तो हम इसलिए इसको डाटा फाइल में एज इट इज एंटर कर देंगे, यानी ये हम इसको 4, 5, 2 और ये जो सेल होगा ये एम्प्टी रहेगा और फिर 4। तो ये जो एम्प्टी सेल होगा SPSS की डाटा फाइल में उसको हम कहते हैं मिसिंग, और मिसिंग वैल्यू वहां पे असाइन करते हैं। आइटम 4 इज एन एग्जांपल ऑफ अ मिसिंग वैल्यू। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो, यानी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अगर आपके पार्टिसिपेंट किसी क्वेश्चन पे आंसर नहीं करते, फिर आप जब उस क्वेश्चनेयर को एंटर करते हैं तो उस वक्त उसको हम मिसिंग वैल्यू को कंसिडर करते हैं और मिसिंग वैल्यू को हम बाद में ट्रीट भी करते हैं। अगर आपकी क्वेश्चनेयर में 1/3 मिसिंग हो तो फिर आप उस क्वेश्चनेयर को डिस्कार्ड कर दें। जैसे अगर 6 आइटम्स का क्वेश्चनेयर है और 2 पे रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उसको आप SPSS में एंटर ही ना करें। लेकिन अगर 1/3 से कम मिसिंग है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 आइटम के स्केल में जस्ट 1 आइटम को उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इसको कहते हैं मिसिंग वैल्यू। और इसके इस तरह की क्वेश्चनेयर को और इस तरह के पार्टिसिपेंट के डाटा को हम SPSS में एंटर करते हैं और मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करते हैं। ये आप डाटा फाइल देख सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज इन डाटा फाइल। मैंने जस्ट 1 स्केल लिया है, हैप्पीनेस स्केल, और आपको ताकि अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिले कि ये अगर एक स्केल है जिसमें मिसिंग वैल्यूज हैं तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। इस तरह अगर कंप्लीट डाटा फाइल हो तमाम स्केल में आप ट्रीट करना चाहें, तमाम में इकट्ठे भी कर सकते हैं एक साथ भी, लेकिन अगर एक स्केल हो, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी मिसिंग वैल्यूज हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देखें पार्टिसिपेंट नंबर 3 ने HS1 पे एम्प्टी छोड़ दिया। फिर आप ये देखें इसने भी, ये पार्टिसिपेंट नंबर 4 में, इसमें देखें इसके रिस्पॉन्सेज इन 3 आइटम्स पे HS1, 2, 3 पे इसने जो है आंसर्स, ये यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस पार्टिसिपेंट के। ये देखें जो 5th पार्टिसिपेंट है उसके नहीं है, फिर ये 6th पार्टिसिपेंट है इसके नहीं है, ये 8th पार्टिसिपेंट की यहाँ पे नहीं। उसके बाद आप देख रहे हैं बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं उनके 5 क्वेश्चंस पे कंप्लीट आंसर्स हैं। अगर इस तरह की कंडीशंस हों तो उसको हम कहते हैं मिसिंग वैल्यूज। अब हम यहाँ पे इस पार्टिसिपेंट की जो है उसने जिसने एंटर नहीं किया उसने हम सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे वैल्यूज असाइन करते हैं एम्प्टी सेल्स में। अगर ये सेल्स एम्प्टी रहें तो जब हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो वो भी यहाँ पे इसका एम्प्टी शो होगा। तो इस तरह से हमारा डाटा सेट, अगर हम 300 का डाटा सेट लिया है हमने और उसमें से अगर कोई एक भी मिसिंग है तो वो हमारा यहाँ पे 299 शो होगा, उसका डाटा शो नहीं होगा, इसलिए हमने मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करना होता है।
तो ये मिसिंग वैल्यूज इन डेटा फाइल, उनको ट्रीट कैसे करते हैं? आपने मेन्यू बार में ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है और ट्रांसफॉर्म के बाद ये आप देख सकते हैं मेन्यू बार में, आपने ये मेन्यू बार में ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म के बाद रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज पे क्लिक किया। जब रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें देखेंगे आपके वो फाइव आइटम्स शो हो रहे हैं एच एस वन से लेकर एच एस फाइव तक, और ये यहाँ पे है न्यू वेरिएबल्स और यहाँ पे सीरीज मीन, इसने मेथड सेलेक्ट किया है कि मिसिंग वैल्यूज का आप कौन सा मेथड उसको आप असाइन करना चाहते हैं। हमने जस्ट ये करना है कि ये फाइव के फाइव इनको इसमें इंसर्ट कर देना है, ये आप देख सकते हैं हमने इसको इनमें एंटर कर दिया। यहाँ पे डबल क्लिक करें तब भी आप एंटर कर सकते हैं, सिंगल क्लिक करके ये एरो के थ्रू भी आप इसको इसमें एंटर कर सकते हैं। तो जब ये आप इनमें वैल्यूज को ऐड कर लेंगे आप इस बॉक्स में न्यू वेरिएबल्स के बॉक्स में, तो आप यहाँ पे अगर आप सीरीज मीन लेना चाहें तो जस्ट यहाँ पे ओके कर दें डायरेक्टली इनको, यानी ऐड करने के बाद जस्ट ओके कर दें। और अगर आप इसमें कोई मेथड, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं जैसे सीरीज मीन है, मीन ऑफ नियर बाई पॉइंट्स है और भी थ्री मेथड्स हैं। आइडियली हम सीरीज मीन, क्योंकि हमारा कंटिन्यूस डाटा है तो सीरीज मीन और मीन ऑफ नियर बाई पॉइंट्स लेते हैं। मैंने ये इसको इस पर क्लिक किया और मीन ऑफ नियर बाई पॉइंट्स लिया ताकि आपको डिफरेंट ऑप्शंस का पता चल जाए। वैसे आप डायरेक्टली यहाँ पे ओके करके सीरीज में इसको एंटर करके यहाँ से ओके भी कर दें तो ये आपकी मिसिंग वैल्यूज ट्रीट हो सकती हैं। तो ये एंटर कर, ये मैंने मेथड्स यहाँ पे एंटर कर ली न्यू वेरिएबल्स में ये सब वैल्यूज, उसके बाद ये दिखा रहे सीरीज मीन ऑफ वन, सीरीज मीन ऑफ टू, ये सीरीज मीन ऑफ वन, सीरीज मीन ऑफ टू, ये उसको उसमें चेंज कर देगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे सीरीज मीन तो ऐसे आ जाएगा, ये मीन ऑफ आप नियर बाई पॉइंट ले लें तो आप मीन ऑफ नियर बाई पॉइंट्स भी ले सकते हैं। जस्ट ओके करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वहाँ पे जो एम्प्टी सेल्स थे वहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी। आप यहाँ पे पाथ देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म, उसके बाद ट्रांसफॉर्म पे जाना है, फिर रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज, ये रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज के बाद फिर आपने न्यू वेरिएबल्स, और न्यू वेरिएबल्स में आपने इंसर्ट आइटम्स, इसमें आपने आइटम्स को इंसर्ट करना है। देन आप मेथड पे जाएंगे, ये मेथड है आपके सामने, और आपने मीन ऑफ नियर बाई पॉइंट्स, ये मीन ऑफ नियर बाई पॉइंट्स दिया और ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपके पास एस पी एस एस की आउटपुट विंडो ओपन होगी और वो तमाम वैल्यूज असाइन हो जाएंगी जो आपकी एम्प्टी सेल्स थे और जो जिनको हमने मिसिंग कंसिडर किया है और उनको ट्रीट किया है। डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस से पहले हर सूरत आप मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करें। ये आप देख लें, हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हमारे पास मिसिंग वैल्यूज हैं, ये देखें यहाँ पे हमारे पास इन पार्टिसिपेंट ने ये इनके सेल्स एम्प्टी हैं तो यहाँ पे हमने मिसिंग वैल्यूज असाइन करनी है। मैंने बताया आप ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ये मेन्यू बार है, इसमें ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म के बाद आप जाएंगे रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज। जैसे ही रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज पे क्लिक करेंगे तो रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये देखें ये क्लिक किया तो ये वैल्यूज रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें आपने हमने ये जो फाइव हमारे आइटम्स हैं वो एंटर करने हैं, आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं इसको, ये हमने फाइव एंटर कर दिए। तो ये तो क्योंकि सीरीज मीन है तो उसको शो कर है, यहाँ पे ये मेथड है। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली ओके करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं जी, अगर आप इस पर क्लिक करें मीन ऑफ नियर बाई पॉइंट्स जैसे मैंने लिया था वो लेना चाहें तो ये फर्स्ट टू में से कोई भी एक आप सेलेक्ट करना चाहें तो कर लें। मीन ऑफ नियर बाई पॉइंट्स पे क्लिक किया, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये फाइव थे ना, एच एस वन हैप्पीनेस स्केल 1 2 3 4 5, यहाँ पे फाइव न्यू बन जाएंगे जिसमें ये मिसिंग वैल्यूज रिप्लेस हो चुकी होंगी। ये जस्ट ओके किया, ये देखें ये आउटपुट विंडो पे आउटपुट आ जाएगी एस पी एस एस की आउटपुट विंडो पे, और ये देखें आपके सामने ये उसको मिनिमाइज किया आउटपुट विंडो को तो ये फाइव न्यू कॉलम्स जनरेट हो गए, एच एस वन अंडर स्कोर 1 अंडर स्कोर एच एस 2 अंडर स्कोर 2 अंडर स्कोर 1 अंडर स्कोर 1, और ये अब आप देखें यहाँ पे 5 5, ये वैसे ही 5 5 है, यहाँ पे ये तीन आइटम्स एम्प्टी थे वहाँ पे उसने असाइन कर दी वैल्यूज, और फिर उसके बाद आप देखें ये 5 है, फिर उस तरफ 5 कंटिन्यू कर दिया। तो जहाँ जहाँ पे ये देखें जहाँ जहाँ पे हमारे पास सेल्स एम्प्टी थे वहाँ वहाँ पे इसने मीन ऑफ नियर बाई पॉइंट ये देखें यहाँ पे असाइन कर दिया, यहाँ पे एक एम्प्टी था फिर ये दोनों एम्प्टी थे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एम्प्टी था और ये दोनों एम्प्टी थे यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं अब आपके पास कम्प्लीट
डाटा एंट्री कंप्लीट है, इसमें कोई सेल एम्प्टी नहीं है। इसके बाद अब आप इस पर अगर एनालिसिस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपने एनालिसिस करने से पहले हर सूरत मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करना है। अब जब आपको एक और बात आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि अब आप इसको इग्नोर कर दें, आपने अपना कंप्लीट डाटा एनालिसिस इस पे करना है, क्योंकि ये जो है इसमें ये तो इसमें तो एम्प्टी सेल्स थे, तो आप इसको चाहें तो यहाँ पे इनको यहाँ से क्लियर करके यहाँ से डेल भी कर सकते हैं, इनको क्लियर कर सकते हैं। ये अब एक्चुअल आपके आइटम्स हैं हैप्पीनेस के, इन्हीं को प्लस करेंगे और इन्हीं पे आप इसके बाद जितना डाटा एनालिसिस होगा वो इन्हीं पे परफॉर्म होगा जो इसने SPSS ने ये 5 रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज के बाद जनरेट किए। तो ये आउटपुट विंडो आती है जो मैंने आपको बताया, ये SPSS की आउटपुट विंडो आएगी। आउटपुट विंडो में आप देख सकते हैं कि ये रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज की आउटपुट है, कि ये रिजल्ट वेरिएबल्स लिखा हुआ है और ये नंबर ऑफ रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज HS1 पे 3 रिप्लेसमेंट हुई, HS2 पे 2, HS3 पे 3, HS4 पे 2 और HS1 पे 2, इस तरह रिप्लेसमेंट हुई और 300 का टोटल ये सैंपल था। और ये आप जब देख रहे हैं ये सब, तो इसके बाद ये जो आउटपुट विंडो है ये हमें समरी बताती है कि आप किस तरह से वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें ये जो डाटा फाइल है, बिफोर रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज इस तरह से थी। आपने खुद देखा कि उसमें एम्प्टी सेल्स थे, ये जैसी ये डाटा फाइल थी, और डाटा फाइल आफ्टर मिसिंग वैल्यूज वो 5 के 5 भी उसने रिटेन किए और न्यू 5 कॉलम जनरेट कर दिए और वैल्यूज को भी रिप्लेस कर दिया। इस तरह से हम वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं और मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं डाटा एनालिसिस से पहले। उम्मीद है आपको फायदा होगा, आप एक बार इसे प्रैक्टिस करके देखें, आपके लिए बहुत आसान होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।